Hey fellas, and welcome back to another video. तो हाँ guys, और आज हम बात करने वाले हैं summer vacation के बारे में. तो या आप सबको पता होगा कि हम सबकी summer vacation आ चुकी हैं. कुछ लोगों की नहीं भी आई होंगी, कुछ लोगों की आ भी गई होंगी. जैसे कि यार मेरी तो आ चुकी है, मेरे दोस्तों की भी आ चुकी है. कुछ लोग हैं ऐसे बाहर जिनकी नहीं आ चुकी है, उनकी बाद में आएगी. पर यस, अभी हम बात करने वाले हैं जिनकी आ चुकी है. तो जिनकी है, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अपना जो समर वेकेशन है वो अच्छे से मतलब मनाना, और सब मतलब रहना अच्छे से, सब कुछ शेड्यूल में, सब कुछ मतलब लिमिट में करना है आप सबको. जैसे कि कुछ टिप्स बताऊँगा मैं आपको. जैसे कि तुम्हें समर वेकेशन में हॉलीडे होमवर्क मिलता है, ऐसे सबको मिलता है ऐसे. तो इतने में कुछ लोग ऐसे होते जो अपने हॉलीडे को मतलब ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, कुछ यूज़ नहीं करते. बाद में एंड मोमेंट पता चलता है कि हमने ना तो हॉलीडे होमवर्क किया है ना कुछ याद है. ऐसा होता है सबके साथ, शायद होता है. तो या तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हें अच्छे से कम एक घंटे दो घंटे तक कम से कम पढ़ाई करनी है. और जिस टाइम तुम खेलने जाते हो उस टाइम कम से कम वही सेम दो घंटे कम से कम खेलो, एक दो घंटे खेलो, और बाकी वापस पढ़ाई करने बैठो. ये नहीं है कि तुम हर टाइम खेलते रहोगे. यस, तो अच्छे से करो और पढ़ाई भी करो भाई. यस, पढ़ाई भी करो. मैं भी करूँगा. तो यस, तुम भी करो. और ये कि कुछ लोग हमेशा सोचते हैं कि हम पढ़ाई कैसे करें, कुछ लोगों का पढ़ाई मन नहीं लगता. वेट करो भाई, मैं बताऊंगा ना तुम्हें, बताऊंगा. तो पढ़ाई तो कैसे करो, तुम एक गेम की तरह खेलो पढ़ाई को. मतलब जैसे कि तुम्हारा, मान लो तुम्हारा एक इंग्लिश लैंग्वेज का कोई है या फिर मैथ्स का कुछ सम तुम्हें दिया हुआ है, कम से कम ढेर सारे सम है. यस, तो तुम उनमें से टाइम निकाल के 10 सम या फिर 15-20 सम को निकालो और उस सम को तुम एज अ गेम टाइप खेलो. और उससे तुम्हारा ध्यान भी लगेगा, तुम्हें अंडरस्टैंड भी होएगा और तुम्हें मज़ा भी आएगा उसको लिखने में, मतलब सम कंप्लीट करने में. अच्छे से खेलो. और बस ये है, जैसे तुम ख़त्म कर लोगे तुम्हें लगेगा कि तुम तो गेम खेल रहे हो और तुम्हारा पूरा काम भी हो गया. तो ये तुम ऐसे करके अपने सारे के सारे गेम मतलब सारे के सारे होमवर्क को जो भी हो तुम उसको यूज़ कर सकते हो अच्छे से. तो तुम्हें और भी ऐसी कुछ करनी है पर लिमिट में. ये और खेलना बिल्कुल नहीं है. ये होते कुछ बंदे ऐसे होते जैसे कि रात तक खेलते हैं, कम से कम 7-7:30 कम से कम, या फिर उससे ज़्यादा लेट. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 8-9 बजे तक खेलते हैं. यस, ये वो बंदे होते हैं जो कम से कम मान लो 15-16 साल के होते हैं. ये ऐसे बंदे होते हैं. पर अगर तुम्हें खेलना है तो कम से कम 2 घंटे खेलो, 3 घंटे खेलो, कोई बात नहीं. पर पढ़ाई भी उसी लिमिट में करो, दो घंटे कम से कम, 3 घंटे कम से कम करो. पर सब कुछ अच्छे से करो, शेड्यूल बना लो. जैसे कि तुम्हारा पढ़ाई करने का टाइम 1 बजे है और तुम ख़त्म करोगे 2 या 3 बजे ख़त्म करोगे, और तुम्हें खेलने का टाइम, पार्क जाने का टाइम है 4 या 5 बजे, और तुम वापस आओगे 7-7:30 बजे तक, ऐसे आओगे. तो तुम ऐसे शेड्यूल बना लो. और यस, अरे भाई आवाज़ मत जा भाई, ठीक है. तो यस, तुम्हें अच्छे से सब कुछ करना है. बस ये मैं यही कहूँगा. और भी कुछ टिप्स हैं, पढ़ाई में ध्यान लगाओ और अपनी मम्मी पापा को हेल्प भी करो इस समर वेकेशन में. अच्छे से निकालो, मैं बोल रहा हूँ ना, पढ़ाई भी करो, तुम्हारा जितना मन है तुम ड्राइंग भी करो, तुम सिंगिंग भी सीखो, तुम्हें जो सीखना सीखो समर वेकेशन में. ट्यूशन कर लो. और बाकी जो है तुम अपनी मॉम डैड के हेल्प भी करो, जैसे कि हाउस चोर्स हो गए, तुम ये करो उनकी हेल्प करो, ताकि तो उनको भी लगे कि हाँ हमारा बेटा हमारी बेटी हमारी मदद करवा रही है समर वेकेशन में. उनका भी मतलब वो भी मतलब हमारी हेल्प कर रही हैं. तो यस, तुम भी हेल्प करो, अपना भी काम करो, उनका भी काम, अपना हाथ उनके काम में बटाओ. ऐसे तुम थोड़े से अच्छे बन जाओगे. यस, ऐसे बोल सकते हैं, तुम अच्छे बन जाओगे. तो ये कुछ टिप्स हैं. और अगर तुम्हें कभी गेम्स खेलना है, ठीक, मैं कैसे बताऊंगा, तो अगर तुम्हें कभी गेम्स खेलना है तो गेम्स भी तुम सिर्फ कुछ टाइम के लिए खेलो समर वेकेशन में. सिर्फ कुछ टाइम के लिए खेलो, कम से कम मैं बताऊंगा तो तुम खेलो कम से कम 20 मिनट नहीं खेलना तो कम से कम 1 घंटा से ज़्यादा मत खेलो.
एक घंटा तुम खेल सकते हो कोई दिन, 30 मिनट, आधा घंटा 30 मिनट होता है, और वन फिर एक घंटा तुम खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर तुम्हें पढ़ाई में ध्यान लगाना है, ताकि अगर तुम जब तुम स्कूल जाओ और अपने सारे सारे बच्चों के, अपने सारे सारे क्लासमेट्स के सामने तुम मतलब अपना होमवर्क जब मैम को सबमिट करने जाओगे, तो तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट रहेगा, होएगा तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट। तो मेरी बात मानो और जाओ होमवर्क करो, इस वीडियो को देखो, जो करना है करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब जो करना है करो, जाओ पर पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ाई करो और अच्छे से रहो, क्योंकि ये जो समर वेकेशन है ये सिर्फ जुलाई तक है, और अभी हम जून में हैं, तो हमारे पास कम से कम एक महीना है ये सब काम करने में, और ये महीना बहुत जल्दी ख़त्म भी होने वाला है, क्योंकि अभी हम 6 जून में हैं, आज 6 जून है, तो भाई यस तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तो तुम जाओ अपना काम करो, यस मैं बता रहा हूँ, तो काम करो अपना और सब कुछ लिमिट में करो, सब कुछ लिमिट में, यस इतना ही था। अब मैं क्या ही बोलूँ समर वेकेशन के बारे में, समर वेकेशन तो एक छुट्टी का एक हॉलीडे जैसा होता है, तो उसमें तो और कुछ नहीं बोल सकते, बस पढ़ाई करो, मदद करवाओ पेरेंट्स की, सब कुछ लिमिट में करो, गेम लिमिट में खेलो, पार्क लिमिट मतलब खेलने जाओ पार्क में लिमिट में करो, पढ़ाई करो लिमिट में, सब कुछ करना है सब कुछ करो लिमिट में, पर अच्छे से करो, ठीक है। और यस बस आई थिंक आज के लिए बस इतना ही होगा, और अरे भाई हट यार पसीने आ रहे मेरे को, तो यस आज के लिए बस इतना ही, और हम वेरी वेरी क्लोज हैं 700 सब्सक्राइबर्स के पास, तो तुम जाओ और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार अगर हम 700 सब्सक्राइबर तक पहुंच गए तो यार भाई मेरे को भी खुशी होगी, भाई 700 तक पहुंच गए मेरे को खुशी होगी, तो जाओ सब्सक्राइब करो और लाइक भी कर देना कम से कम, इस वीडियो को टारगेट है 20 लाइक्स, 30 लाइक्स कभी किसी किसी वीडियो में होगा, पर कभी कभी 20 लाइक्स तक कर दो आप, 20 लाइक्स तक कर दो, सब्सक्राइब बिल्कुल प्लीज़ बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जो कमेंट नहीं करते, पर जाओ कमेंट करो, और या मैं चला आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने, तब तक के लिए गुड बाय।